मैं हाँ लगा रखी हूँ, वैसा सब भी हाथ पर है, ऑलमोस्ट ऑल वन वीक हो गया लगा रखता हमको। इसमें आपको मैं बेस्ट क्या था जाना, तो मेरी थीम है जो आपको हमारे बाइक को मॉडिफाई करके बोलता हूँ, अभी से आपको मोटर बाइक सेटअप बनेंगे ओके। तो इसमें आप थोड़ा सेटिस्फेक्शन बोलने को, तो उससे फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुछ भी हम अनबॉक्सिंग करते हैं उसमें सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन रैप होता तो रिमूव करेंगे। ना पड़े दुनिया को के पैसा किसी का ना हुआ, बस उनको खड़ा मिले ये क्यों। यो ऑलरेडी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बैंग, वेलकम बैक टू चैनल व्लॉग्स। तो कैसे आप सब लोग, आया तो ठीक ही बोलता हूं। तो आज हमारा जो हेलमेट जो है वो अनबॉक्सिंग करेंगे बोलता हूं, तो तुमको बेसब्री से इंतजार रहा तो कौन सा हेलमेट है क्या है किधर बोल को। जब तक तुमको बेसब्री से इंतजार था, सबसे ज्यादा आ गया बेसब्री से इंतजार था उसका अनबॉक्सिंग करने का, कहीं रहेगा तो मैं लगा लग डाले तब से आपको यूज भी करें नहीं, देखा है इस कार्ड को जैसा लगे वैसा लगा लग डाले, ऑलमोस्ट वन वीक हो गया लगा लग डाल को। देखो जैसा मैं यहाँ लगा रखी हूँ वैसा सब भी हाथ पड़ को है, ऑलमोस्ट वन वीक हो गया लगा लग डाल को। तो उसका कार्ड है देखा है नहीं, कब तो करेंगे करेंगे काटेंगे अनबॉक्सिंग करेंगे करेंगे बोले कुछ होगा, ऑलमोस्ट वन वीक हो गया। अब मंडे एक्चुअल माया फांसी आपको मंडे कुछ हो, मंडे के दिन फांसी आई हूँ एंड मंडे के दिन अब आपको ब्लॉग शूट करता हूँ। एंड जो भी जो वीडियो जो थी जो मैं शूट करा था पूरा को ऑलमोस्ट अपलोड कर, लास्ट वीक वीडियो है तो हाल के लिए आपको एक अपलोड होता है, ऑलमोस्ट 91% हो गया। तो लास्ट वाला जो हमारा राइड जो है एंड रिटर्न आते समय बैंगलोर से रायचूरी को, तो वो जो है आपको अब फिलहाल के लिए चलती है अपलोडिंग में। तो देखेंगे हमारा जो हेलमेट जो है कैसा है किधर है एंड क्या हिसाब से हमारा मॉडल सेटअप बनता है तो दिखा दूंगे। ऑलराइट गाइस, तो अभी के लिए टाइम होता है 10:19 होता है एंड अब जो आपको हमारा आपको अनबॉक्सिंग करेंगे एंड दिखा दूँ कैसा है कि भैया बड़ा एग्जामिनेंट है, मैं देखा नहीं एक छोटा मालूम है उसका एग्जाम मालूम मुझे एंड तुम्हें देखे नहीं तुम्हें क्या कुछ चीज़ तुम्हें मालूम है, तो उसके लिए दिखा दूँ एक बार ओके। अब अनबॉक्सिंग करेंगे बिना गाइस, ये रहा हमारा एक्सोर का हेलमेट एंड इसमें आपको मैं बेस्ट क्या था जाना, तो ये जो बैग इसे दिया एकदम बेस्ट दिखा गया तो हमें आपको यूज करें इस टेम्पोर आपको हाँ लगता ले या कान तो उठा लगता है तो गलीज भी होता नहीं या फिर धूल भी बढ़ती मिट्टी की टिका होती नहीं एंड एकदम नीट होता एंड उसके लिए एकदम पसंद आज कपड़ा तुम्हें ये खाली इसमें ये वाला पोर्शन जो है ये पसंद पहले बात तो मुझे। तो अब अभी आपको आपको जो हमारा हेलमेट के साथ दिखा देखो ओके। गाइस, तो ये रहा मैं एक्सोर का हेलमेट जैसा तुम देख सकते हैं ब्लू कलर का लिया हूँ मैं ये कह लिया तो मेरी थीम है जो आपको हमारे बाइक को आप मॉडिफाई करेंगे बोलता हूँ, तो उसमें आपको हमारा ब्लू एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको हमारे बाइक का आपको मॉडिफिकेशन चलता, तो मॉडिफिकेशन कब चलता वही बोलता हूँ। तो अभी के लिए सोचता हूँ मैं कह रहे हो तो मामूल से मैं आपको भी आपको मॉडिफाई कर देना, तो उस वक्त आपको पुलिस वाला इश्यू रहता मॉडिफाई करना नहीं गाड़ी आपको इससे पूरा कलर चेंजिंग होना नहीं बोलते, तो उस प्रकार से हम लोग आपको इश्यू होना नहीं बोल देखता हूँ। तो उस बहुत थोड़ा क्लियरेंस होने के बाद हमें आगे परफेक्ट लुक देंगे हमारे बाइक को ओके। तो अभी के लिए हेलमेट हमारा ये मैं 360 डिग्री से एक बार दिखा दूँ, देखो फिल्मेटिक शॉट्स को देख लो ओके। गाइस थोड़ा बहुत 360 व्यू दिखा दूँ, देखो फिल्मेटिक तो सुन रहा है नहीं सुन रहा है कि मैं बहुत खाड़ी हूँ हमारा आवाज आपको लाइटिंग सेटअप ना है ना वैसे इस तरह से करना पड़ता है। इंशाल्लाह जरूर एक स्टूडियो बनेंगे दिन सुन बना के देखेंगे हमें बनेंगे ओके एंड दिखा दूँ एक बार। तो मैं ये कहीं क्लियर रहेगा तो मैं ऑलमोस्ट ऑल आपको मेरे बाइक के थीम्स में जो सोचे ब्लू एंड ब्लैक का वो सब सुना बोले देख लिया सब एक अलग सोचे मैं जो स्नेक वर्सन जो आता वो लेंगे बोले थे फिर भी आपको ये लिमिटेड एडिशन एंड आपको न्यू एडिशन बोल को ये ले लगे मैं थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस थोड़ा किया थोड़े बहुत बैकग्राउंड में आपको नॉइस अनकम्फर्टेबल से दो आई एम सो सॉरी फॉर दैट क्या करें तो मैं घर में ब्लॉगिंग करता हूँ एंड मैं टाइम मिलना आपको मैं टाइम में बैठ को ब्लॉगिंग करने काम करता है तो एक दो बार मैं ट्राई करी हमको यही ब्लॉगिंग बोल को कल भी ट्राई करा कल लाइटिंग नहीं कल भी ट्राई करी मैं तो कल आपको शाम के आसपास 4-5 के आसपास हुआ था उसके लिए आप लाइटिंग बर बनाया छोड़ा लियो फिर भी मॉर्निंग उठ को बनेंगे बोल को तो उसके लिए आप शूट करता हूँ एंड अभी से आप मोटर ब्लॉगिंग सेटअप बनेंगे ओके। तो इसमें आप थोड़ा सेटिस्फेक्शन बोलने को
मैं आपको उस इसमें आपको जो बटन था बटन दबाने काटने में थोड़ी दिक्कत दिक्कत होती थी लॉन्ग ड्राइव में, जब भी लॉन्ग रहता हूँ सड़क वाइजर डाउन होता था तो उसके लिए आपको ये मदद करी। एंड इसमें आपको सिंपल से मांग दिया था, सिंपल से दिया था, सिंपल से कर लिया मैं। एंड इसमें आपको एक आपको कभी भी डे लाइट में राइड करते हैं बोलो ताले आना खाना इसके पहुँचो। एंड इसमें आपको वेंटिलेटर भी आपको हैक एंड हैंड दो दिया और मैं हाँ देख सकती हैं दो अच्छे हैं पेन को दिखा दो गाइस राइट। ओके देखो कुछ इस तरह से है ऑलमोस्ट ऑन ये फिटिंग, यहाँ थोड़ा बहुत दबक जाता है तो नया हरे होगी सा क्या कि दबक जाता है थोड़ा बहुत यूज़ करने के बाद ये जो कुशन जो है थोड़ा स्मूथ हो जाए एंड तबाक स्मूथनेस होता है पूरा। तो अब इसे आग मोटर ब्लॉगिंग सेटअप बनेंगे। ओके तो अब हम जो जो भी मोटर ब्लॉगिंग सेटअप बनाने के लिए आपको चीज़ें होना तो काट लेंगे। ओके थोड़ा मैजिक से पूरे हाँ देखो और वेट एक सेकंड हाँ दिखता नहीं हाँ दिखता। ओके अब पूरे आज देखो तो देखो आ गए हम आपको हमारे जो है इसमें शिट करने के लिए पहले एक माइक एंड स्ट्रैप या आपको माँ जो हमारा आग गोप्रो का माइक का राफ्टर जाता उसे यहाँ साइड में लगेंगे देखता हूँ मैं तो उसके लिए लगे। एंड या 3mm टेप तुम्हारा ऑलमोस्ट आल तुम्हारा थोड़ा बहुत अच्छा शॉपा उधर बड़े शॉपर है तो उसमें मिल जाता 3mm टेप बोले दिया ऑलमोस्ट आल मैं आपको 250 rupees का प्राइस पड़ा है। ऑनलाइन में बहुत प्राइस दिखा था तो लोकल स्टोर में तुम्हारा जल्दी भाग रहा उसमें ऑनलाइन में वेट करने को बोलो ट्राई कर देखो। ओके तुम्हारा होना है तो नहीं तो क्या भी नहीं मैं जो लॉन्जिंग केज है उसमें सेटअप कर देती हूँ मैं आपको थोड़ा छोटा होने वाले को मैं सेटअप करके देखता हूँ। ओके अब सेट करेंगे तो अब कैमरे से शूट करता हूँ तो सेट करके उसमें बाद में बैठेंगे ऑलमोस्ट आल देखें तो मैं दो चीज़ अभी मिसिंग है उसमें एक क्या रहेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका माउंट जो आता है वो एक माउंट एंड एक सीजर कट करने के लिए सीजर भी होना नहीं तो सीजर भी एंड माउंट दो कर लेंगे। ओके ऑलराइट गाइस तो ये दो भी आ गए हैं अब सेटअप कर लेंगे। ओके तो ऑलरेडी तो इसको 3M टेप है तो ये बाइक टैग नहीं मान रहे मैं अगर एक बार बैठा काट हूँ ट्रायल दिखाती हूँ उसके ऊपर एंड तो इसके ऊपर कैसे बाइक टैग देखेंगे। ओके तो सेटअप करने के बाद दिखाता हूँ। ओके तो उससे फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुछ भी हम एक अनबॉक्सिंग करते हैं उसमें एक सेटिस्फैक्शन के लिए सेटिस्फैक्शन रैप होता तो वो रिमूव करेंगे इसमें जो ये है सामने वाला रैप वो रैप रैप करेंगे। ओके सेटिस्फैक्शन सी इतनी खुशी कि हमें आपको 5,000 rupees का हेलमेट का वाइजर का स्ट्रैप अनरैप करें। कंग्रेचुलेशंस टू मी। ओके थैंक यू कमेंट सेक्शन में कमेंट करता लो थैंक यू फॉर दैट। एंड अब अंदर ये जो है ये फॉग हमारा जो फॉग आता है हेलमेट में हमें कभी आपको मानसून के राइड्स में कभी कृष्ण पकड़ा आपको फॉग जो जमा होता तो वो जमा होना नहीं होता ये जो है आपको उसके लिए एंड ये भी अंदर आप कर डालेंगे। ओके करते हैं पूरे हमें अब हमें इसमें क्या करना रहता है इसके ऊपर आपको स्क्रैचेस जो आते स्क्रैचेस में से देख लेना ज़्यादातर कहते ये स्क्रैचेस फिर को वही बोल रहे हम वाखा हुआ था विजन बरबर आता नहीं तो स्क्रैचेस में से देख लेना। ओके तो अभी से माउंटिंग दीवार से डालेंगे बॉक्स तो टेप काटें एंड हमारा जो है तो करेक्ट सी आपको यहाँ जो प्लेस करेक्ट सी देख ले हमें उठाना। ओके एंगल जरा उधर इधर रखने सका हाँ एक लाइन नंबर आता है ये लाइन को तुम्हारा सेंटर पॉइंट समझ में आती अभी जो ये जो लाइन है नहीं ये लाइन को आपको सेंटर पॉइंट समझ में आती है। ओके और सामने देखा था जो हमारा यहाँ वेंटिलेटर ग्रिल जो है यहाँ आपको इस साइड से साइड आपको यहाँ सेंटर एक लाइन के नंबर है लाइट समझ में आता था सेंटर पॉइंट नंबर समझ आता तो वो लाइन को ये लाइन को आपको सेम नंबर लख लेगा तुम्हें लख ले तो तुम्हारा विजन भी क्लैरिटी को एक एंगल कर डाल देखे ये तो खास बटन है तो थोड़ा बहुत स्ट्राइट में आपको हम आपको 3mm टेप चिपकेंगे चिपकाने के बाद थोड़ा आपको चारों तरफ से आग बढ़ जाता है। ओके इसे हटाने देंगे पहले रबर टेप काट लेंगे 2000 years late तो कैसे जैसे वाखा बढ़ के बैठे हूँ एंड अब इसके बाद आपको माइक अंदर डाला लेंगे तो हम मालूम जैसा माइक अंदर डालते हैं आपको तो वह सब डाला लेंगे एंड तुम्हारा दिखा देखो इसमें थोड़ा सा आग अलग से है वो क्या रहे हो तो ना आपको इसमें ऊपर से ओपन कर लेना हाँ से आग में स्टार्ट सकते क्लिप पॉइंट्स हैंड खोल लेना एंड एंड गाइस अब इसमें पूरे रिमूव कर दिया यहाँ के पूरे एंड इसमें माइक डालने का है अब माइक यहाँ डालने के लिए ऊपर यहाँ जाकर लख लगो ऐसा एंड इसमें यहाँ माइक डालने का मैं सेटअप कर दिखा दूँ। ओके अंदर तो मैं करेक्ट से एक बार डालना मैं यहाँ को एंगल पकड़ने के लिए कौन है इसके लिए आपको
मैं थोड़ा सा वापस करता हूँ, तो ये पूरा बिठा को तुम्हें दिखाता हूँ ना, तुम्हारा बोलना बिसर गया हूँ। तो इसमें आपको ब्लूटूथ लगाने के लिए आपको हाँ गैप देखा है, जो गैप आपको दिखा दूँ। एंड ये जो इसमें होला देखते हैं तुम्हारा, तो ये होला आपको इसमें आपको आवाज आने के लिए। अब देखो जो आपको ये जो गैप दिखती है या खा इसके स्पीकर सेट करने के लिए, जो ब्लूटूथ जो आता ब्लूटूथ आपको इसमें सेट करेगा। एंड सेना ब्लूटूथ दो में कोई सेट कर लेगा, तो माँ को सेना का मकसद पड़ती नहीं, तो उसके लिए ब्लूटूथ सेट करके देखता हूँ थोड़ा चंद दिन के बाद, लेकर मंगा कोई दा नहीं। ओके ओके, तो ऑल राइट, तो लॉट्स ऑफ नजाकता और कर्तव्य के साथ ये आपको कंप्लीट कर दानी हूँ। कितना वाहा पड़ेंगे बनाने के लिए, अब सेटअप करने के लिए माहौल से उसके तो स्टाफ था, खाली स्टाफ लगाना स्टाफ निकालना पता था। तो इसमें तो आपको जो है अभी मैं आपको बराबर कराना हूँ, तो मैक्सिमम में जो आइडिया है वो सबसे करेंगे। नहीं बोले तो ये कहा ये स्टेबल से नहीं रहा, तो हमें आपको एमसील ले लेको, एमसील से आपको स्टेबल करेंगे। मगर फिलहाल के लिए अभी के लिए ये आग हमारा सेटअप जो है तुम दिखा देखो कैसा बनाएंगे। ओके, तो देखो कुछ इस तरह से आ लियो हमारा हेलमेट का जो माउंट जो है तो वहाँ लगाए हूँ। एंड इसके बाद आपको कैमरे का अडाप्टर जो है अडाप्टर यहाँ लगाए हूँ। एंड उलांदी केस के लिए कार्ड डाले हूँ, तो सीधा इसे वर्जन जो माउंट आता है माउंट के साथ सेटअप करी उसे। एंड देखो कुछ इस तरह है। एंड इसमें हम आपको ये पीछे आपको हाँ को नठने को ऐसी, तो हम आपको इसमें नठने को ऐसी क्या होता रहता हूँ, तो नीचे से हम आपको विंड जो नॉइज जाती वो आती नहीं। एंड हेलमेट वेदर जो आते हैं अब तक ऑलमोस्ट अब क्लियर से आती वॉइस, तो उसके लिए आपको हेलमेट लेने का मैं अभी पूछ रहा था। एंड एक बार देखेंगे मोटोबॉलिंग सेटअप इसमें कैसा आता है बोल को। ओके, जाकर सेटअप गेटअप बाइक में ग्राउंड में लेकेंगे। ओके ऑलराइट गाइस, तो इसमें वॉइस कैसा आती है मालूम है, कैमरा एंगल कैसे मालूम है, तो देखेंगे कैसा आती है थोड़ा बहुत मूव करने के बाद। ओके, तो ऑलमोस्ट ऑल वॉइस तो क्लियर आती रहती बोले तो हमें तो भी आडियो लगता है टाइम से आपको फोन लगता रहता। तो अब जो वॉइस जो आती है कैसा देखते मैं बोला मैं कमेंट से कमेंट करके बोल कर, तो मैं आपको जब एडिटिंग बैठे तब मालूम पड़ता वॉइस कैसा आती है बोल को आती है या फिर नहीं आती है बोल को भी। एंड कैमरा एंगल कैसे वो भी देख को बोलो क्या करता मैं समझ आता नहीं आता। एंड नहीं दिखा लोकेशन एक बार चेक कर लेता हूँ। और एक बाइक भी ऑलमोस्ट ऑल मैं आपको जो राइड भी आपको हमारे बैंगलोर राइड को तब से आपको लग जाते हैं गलीस गलीस हो गई धूल गिर पड़ को फ्यूल भी पकड़ा देखो फ्यूल भी ऑलमोस्ट ऑल लो फ्यूल लेवल दिखाता है। एक पॉइंट भी नहीं है उसमें, तो दो पॉइंटा में खाली हो गए लास्ट एक दो पॉइंटा जो लगता है वो दो पॉइंटा में खाली हो गए हैं ऑलमोस्ट ऑल टैंक पूरी खाली है। अब हम ना खुना से तो थोड़ी खुली स्पेस कही तो हमें थोड़ा जो भगाना गाड़ी तो विंड नॉइज़ जो आती है हमें ऑलमोस्ट ऑल 80-90 की स्पीड में गए तो भी हमारे विंड के नॉइज़ जो आना है अंदर एंड एकदम क्लियर वॉइस आना, तो उसके लिए चलो बहुत वेदर मूछ के देखेंगे। वाव व्हाट एन विजन, मज़ा आता है भगाते हैं हमारे अंदर की वॉइस हमारा अंदर समझ में आती है तो बाहर की उतने से डिस्टर्बेंस ना है। एंड विंड नॉइज़ भी आपको वाह उसमें हमारा हेलमेट जो पुराना हेलमेट जो था उसमें आपको वॉइस पूरे आपको सुन आती थी ज़्यादा वॉइस आ जाको एकदम ज़्यादा वॉइस आती थी एकदम गली जैसा था मुझे भी। एंड तुमने को एक आधा सुन आती रहती वॉइस हो, अब जो है मेरे अंदर वॉइस विंड नॉइस आती है एंड एकदम क्लियर है। एंड तुमने को भी ऑलमोस्ट ऑल क्लियर रहती बोल रहा हूँ। अब थोड़ा सामने गए तो थोड़ा हमें खुला स्पेस मिलती, तो खुली स्पेस में आपको थोड़ा बहुत भगा को देखेंगे। ओके फाइन, ये 90 हंड्रेड वेज क्या होता रहेगा तुम, ये जो मेरे चिक्स जो हैं जो मेरे कल्ले चिक्स जो हैं उसमें आपको ऐसा दबक जाता है हेलमेट का पूरा बात करने होता ना है, थोड़ा बहुत यूज़ करते गए तो थोड़ा लूज पड़ा तो है थोड़ा फैब्रिक पर थोड़ा नरम होता तब आपको थोड़ा कलठा था बोलता हूँ। ऑलमोस्ट अभी के लिए तो एकदम टाइट है, आने आने को थोड़ा बहुत दूर से तो बोलता हूँ। एंड हमारा विंड नॉइज़ जो है एकदम क्लियर सी है, विंड नॉइस आती ना है एकदम क्लियर सी हम लोग वॉइस पूरी हमारी वॉइस जो है क्लियर आती है। और अब ऑलमोस्ट ऑल एक बार रेफ करेंगे गाड़ी तो तब समझ में आता हमारे विंड नॉइज़ कैसा आती है एंड हमारे अंदर अंदर जो फीलिंग जो कैसी है वो समझ आता। ओके ओके लेट्स गो, ऑलमोस्ट 117 गया तो विंड नॉइज़ भी एकदम क्लियर है एंड विजन भी एकदम क्लैरिटी से है एकदम क्लियर सी है, जो पुराना हमारा हेलमेट जो था वैसा नहीं था एंड एकदम भयंकर सी है पूरा है भयंकर वाली फीलिंग है मेरे अंदर से तो भी। एंड तुम ना कैसा एक देख को बोलो ओके, खाली दिक्कत दिखी जाती है मेरे तो वो क्या रहा तो मेरा जो चिक्स जो है ऑलमोस्ट ऑल मैं आपको दबागा दे पूरे तो वो एक कितनी इशू है सो बाईपास का रास्ता हम जाकर होंगे। ओके स्लो डैडी
ऑलराइट गाइस, तो हाँ थोड़ा बहुत मी एनर्जी थी कैसे रहे तो हाँ बड़े से ब्लॉग जो मैं घर में शूट करी जो अनबॉक्सिंग जो करी एंड जो कुछ भी दिखाने की कोशिश करी मैं थोड़ा बहुत मी तो सेटिस्फेक्शन आए फिर भी तो कहीं रहेगा तो जब पहले से शूट करने का तरीका जो है मेरे अंदर का थोड़ा उतने पसंद आता नहीं कहीं तो उसमें आकर ना विजन मिलता ना क्लैरिटी मिलती ना आगो वॉइस क्लैरिटी बराबर रहती कहीं तो मैं आगे ना एंगल जो एंगल हमारे पकड़ने वाले जो होते हैं उन्होंने यहाँ कौन में नहीं तो मेरे तक मैं आगे एंगल सेटअप कर ले को पूरा कर लेना पड़ता तो उसके लिए आगो मुझे आगो गलीज दिखता कहीं एक बुरा इंशाल्लाह इन सून हमें एक स्टूडियो बनेंगे तो जो मैं ऊपर से होता ना ऊपर तरफ आगो हमारे एक सिंगल रूम है बेडरूम तो बेडरूम में आगो ऑलमोस्ट ऑल मैं आगो मेरा सेटअप बनेंगे बोलता हूँ जो मेरा ऑफिस का नंबर सेटअप करेंगे बोलता हूँ तो इंशाल्लाह ज़रूर वी विल डू दैट जो मेरे फिल्मेटिक जो है वो भी आगे थोड़ा बहुत गलीज नहीं बोला था मैं तभी जो भी है थोड़ा बहुत मैनेज करा दोस्तों जो भी फिल्मेटिक जो है मेरे तो थोड़ा बहुत गलीज ही बोल रहा हूँ मैं तो फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया एंड इन फ्यूचर वी विल डू इंशाल्लाह रमज़ान के बाद एक राइड प्लान कर रहा हूँ राइड को इंशाल्लाह जाएंगे मज़ा आता है एक राइड में कहीं तो हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल सेटअप किया है एक कैमरा है एंड जो हमारा बैकअप जो है ना बैकअप भी है हमारे पास लैपटॉप है एडिटिंग के लिए एंड हमारे एक्सेसरीज जो है ना हमको ऑलमोस्ट ऑल उसमें थोड़ा बहुत अच्छी ही चीज़ हमारे पास एक्सेसरीज हो ऑलराइट गाइस तो विजन देखिए एकदम क्लियर से आता है हमारा मोटर स्क्रिप जो एकदम मस्त जगह है तो विजन देखिए एकदम मस्त आता है एंड क्लैरिटी भी जो है विजन जो है एकदम क्लियर से आता सका है एंड हेलमेट जो भी मोटर लॉन्ग सेटअप जो है एकदम मस्त है सका है अब तो सीधा आप घर के जाएंगे मेरे ख्याल से मैं अच्छा क्लैरिटी आती थी बोल रहा हूँ क्लैरिटी एंड विजन जो है एकदम क्लियर से था बोल रहा हूँ ऑलराइट जी तो इससे पहले आपको वीडियोस में क्या हुआ तो बैंगलोर रेड के मैं एक मैं एक्स्ट्रा माइक लिया दूसरा वो माइक में आपको विजन आई मीन क्लैरिटी वाइस क्वालिटी जो बराबर आई नहीं तो उसके लिए फिर को मेरा पुराना माइक जो है वो माइक लगाई बाद में तो इसके बारे में क्लैरिटी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दे दूँ आपको फिर एक राइड आती वो राइड में आपको तो आपको मैं दिल से बयां कर रहा दिल के बातें पूरे तो उसके लिए एंड वीडियो हम के जॉइन करेंगे आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छा लगा लाइक करो ना सब्सक्राइब कर लियो एंड थैंक फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ डे आई विल सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग तब तक के लिए खुदा हाफिज़ बिलीव इन योरसेल्फ फाइट विद योर ड्रीम्स बूम